मित्रों नमस्कार, आपका स्वागत है। आज हम सीखेंगे मसाला मैगी बनाना। इसके लिए सबसे पहले मैंने प्याज को इस तरह छोटे छोटे काट लिया। दूसरी तरफ कढ़ाई को गर्म करने के लिए चढ़ा दिया और उसमें 1 या 1.5 स्पून तेल डाल के गर्म कर दिया। अब इसमें हल्का जीरा डाल दिया। जब जीरा पक जाए तब इसमें प्याज डाल देंगे। बहुत 4 से 5 मिनट का प्रोसेस होता है। देख लीजिए, जीरा पक गया और इसमें प्याज डाल देंगे। प्याज डाल के अच्छे से चला देंगे, चलाएंगे इसे। प्याज को फ्राई करेंगे, फ्राई जब तक प्याज सुनहरे कलर का ना हो जाए तब तक फ्राई करते रहेंगे इसी तरह। दूसरी तरफ मैगी को इस तरह से तोड़ लें दबा के, ताकि छोटे छोटे हो जाएं वो टुकड़े। लंबे मैगी खाने में सही नहीं लगते। इसमें हल्का चिकन मसाला या मीट मसाला या फिर सब्जी मसाला भी, कोई भी मसाला डाल दें। हल्का ही, ज़्यादा डालेंगे तो टेस्ट खराब हो जाएगा बस। और हल्का हल्दी डाल दें बस, बिल्कुल थोड़ा सा। और थोड़ा नमक भी डाल दें, क्योंकि नमक मैगी में पहले से भी होगा। हल्का ही डालें इसमें। अब इसे चलाते हैं। अब मसाला हमें फ्राई करना है। मसाला जब फ्राई हो जाएगा तब इसमें मैगी डालेंगे। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, प्याज फ्राई हो गया है और मसाला भी फ्राई हो गया है। इसमें अब थोड़ा आलू का भुजिया डालेंगे। आलू की भुजिया कैसे बनाएं ये मैंने पिछले वीडियो में बताया है, उसमें आप देख सकते हैं। हल्का इसमें आलू की भुजिया डाल देंगे और थोड़े रहेंगे बस। इसे चला देंगे अच्छे से। सब कुछ फ्राई पहले से ही है तो इसमें ज़्यादा लेट किए भी नहीं पानी डाल देंगे। एक मैगी के लिए 1 गिलास पानी डाल देंगे। ओके, अब दूसरी तरफ मैगी के मसाले को इसमें डाल देंगे। इस तरह जब ये उबल जाए तब इसमें मैगी डालेंगे। मैगी के बदले कोई और नूडल्स भी इसी तरह बना सकते हैं आप। अब इसे अच्छे से उबलने दें। अगर पानी की कमी लगे आपको तो पानी ऊपर से और भी डाल सकते हैं। अब इसे पकने दें। ओके, ये अच्छे से उबल गया है। अब ये पकने भी लगा है। इसमें मुझे जैसे लग रहा है कि कम पानी हो गया है, तो थोड़ा पानी और मैं डालूंगा इसमें। हल्का पानी डालूंगा अपने हिसाब से, ज़्यादा नहीं। ओके, अब यहाँ से 2 मिनट और लगे, 2-3 मिनट इसे उतारने में। तो अब मैं इसमें मैगी मसाला डाल देता हूँ। मैगी मसाला इसमें अच्छे से छिड़क दें। और इसे चला दें। बिल्कुल अच्छे से मिला दें। मुझे लग रहा है जैसे और पानी की थोड़ी जरूरत है, तो हल्का पानी में और डाल देता हूँ। अब इसे पकने दें। इसमें कुछ भी नहीं करना, आप बस पकने देना है। आपकी मैगी बनके तैयार है। अब इसे आप टमाटो सॉस के साथ या कैसे भी खा सकते हैं। इसे मसाला नूडल्स बोलते हैं। धन्यवाद।